नमस्कार बच्चों हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं समुच्च और आज हमारा सेट्स का नाइन्थ लेक्चर है नौवा क्लास है सेट्स का आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्च का पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्च का पूरक समुच्च का पूरक क्या होता है इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स समुच्च के पूरकों के गुणधर्म और ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है जो गुणधर्म होता है वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और एक्सरसाइज 1.5 पॉइंट फाइव एनसीआर का एक्सरसाइज 1.5 पॉइंट फाइव कंप्लीट करेंगे लोग बच्चों ठीक है तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे मेरा नाम अमित है और चैनल एमएमसी मतलब मास्टरिंग मैथ्स क्लासेस है इससे पहले कि मैथ्स के मौज में खो जाओ जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ठीक है बच्चों तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं समुच्च के पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है समुच्चय के पूरक क्या होते हैं तो क्या होता है किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कोई भी एक सेट ले लो ए कोई भी एक सेट ले लो ए कहता है उसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब पूरक पूरक को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं है ना समुच्चय को सेट बोल रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश से रिप्लेस कर रहे हैं हिंदी वाले वर्ड को तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग पूरक को कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं तो किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है मतलब किसी भी सेट ए का अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होता है कि किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया समष्टि है ना पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समष्टि समुच समष्टि समुच को ये कैपिटल एस से ये यू टाइप का ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल इससे ना सूचित करते हैं का एलिमेंट हो पर सेट ए में नहीं हो ठीक है पर सेट ए में नहीं हो और कॉम्प्लीमेंट ऑप सेट ए को ए पर ये देखो सी लिखे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को A यहां सी छोटा सा सी डाल दिए है या ए डैश से सूचित किया जाता है बात समझो सिंपल सा बात है हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो ए में नहीं हो सिंपल सी बात यही है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो जो एलिमेंट बचा वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब क्या हुआ समष्टि समुच्चय किसी ए का अगर पूरक निकालना है तो समष्टि समुच्चय में से ए को घटा दो जो बच गया वो ए का पूरक हो गया बात समझ में आया क्या हुआ कि किसी सेट कोई भी एक सेट है ए अगर उसका हमको पूरक निकालना है तो समष्टि समुच्चय जो दिया हुआ है समष्टि समुच्चय में से ए का एलिमेंट को घटा दो जो बच गया वो क्या हो गया ए का पूरक हो गया बात समझ में आया उसी को लिखे कि किसी कि कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो पर सेट ए में नहीं हो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट तो हो पर सेट ए में नहीं हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को का यहां पर सी दिए ए सी कह दो या डैश से सूचित किया जाता है अर्थात क्या हुआ डैश बराबर क्या बताए थे कि यूनिवर्सल सेट में से को घटा दो तो ए डैश निकल गया या फिर ए डैश क्या लिखेंगे एक्स डैस का एलिमेंट एक्स एक्स क्या है यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है किसका एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है और एक्स क्या है तुम्हारा देखो यहां पर ए में नहीं है है ना मतलब A का एलिमेंट को अगर यूनिवर्सल से हटा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा ए का डैस हो जाएगा ठीक है तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका इसको तुम लोग जल्दी से लिख लो तो चलो देखो एग्जाम्पल देख लो जैसे कि मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है ठीक है और हमारे पास कुछ सेट है जैसे कि मान लो एक सेट है हमारा एक सेट है दो चार छ आठ दस बी हमारे पास एक सेट है एक तीन पाँच सात नौ ठीक है और सी हमारा एक सेट है दो तीन पांच सात अब हम ना सबका डैश निकालना चाहते हैं जैसे ए डैश निकालना चाहते हैं बी डैश निकालना चाहते हैं सी डैश निकालना चाहते हैं तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए ठीक है तो क्या हो गया यूनिवर्सल सेट ये रहा पूरा एक से लेके दस तक तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस और माइनस ए क्या है हमारा दो चार छ आठ दस ये है तुम्हारा तो ए डैश इसमें से इसको घटा दो घटाने तो आता है तुम लोगों को देखो एक इसमें है इसमें नहीं है तो मेरा एक आ जाएगा दो इसमें है इसमें भी है तो दो नहीं ले पाएंगे तीन इसमें है देखो इसमें नहीं है तो तीन आ जाएगा चार इसमें इसमें भी है तो चार नहीं ले पाएंगे पाँच इसमें है इसमें नहीं है तो, तो पाँच ले, ले लेंगे देखो छः इसमें है इसमें भी है नहीं लेंगे सात इसमें है इसमें नहीं है तो सात आ जाएगा आठ इसमें है इसमें भी है तो नहीं लेंगे नौ इसमें है इसमें नहीं है तो नौ आ जाएगा और दस इसमें और इसमें भी है तो दस नहीं लेंगे ठीक है तो ये हमारा ए डैश आ गया तो आया समझ में क्या हुआ, हुआ हमको ए डैश निकालना था तो यूनिवर्सल में से ए को क्या कर लिया माइनस कर लिया उसी तरह अगर अपने को बी डैश निकालना है तो देखो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस बी है ना अब हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं यूनिवर्सल माइनस बी तो यूनिवर्सल एक से दस तक है, और बी क्या एक तीन पांच सात नौ घट जाएगा तो इसमें से एक छोड़ दो तीन भी छोड़ दो पांच भी छोड़ दो सात भी छोड़ दो नौ भी छोड़ दो तो क्या क्या बच गया अब हमारा हमारा बच गया दो चार छ आठ और दस ये हमारा हो गया बी डैश ठीक है चलो हम लोग आते हैं सी डैश पर तो यूनिवर्सल माइनस सी हो जाएगा तो ध्यान दो यूनिवर्सल माइनस सी तो यहां पर देखो ध्यान से अब हम यूनिवर्सल माइनस सी करेंगे तो सी दो चार पांच सात इसमें से दो चार पांच सात छोड़ना है तो दो को छोड़ेंगे चार को छोड़ेंगे सॉरी तीन को छोड़ेंगे दो को छोड़ेंगे तीन को छोड़ेंगे पांच को छोड़ेंगे और सात को छोड़ेंगे इसके अलावा जो बच गया वो हमारा सी डैश हो गया तो देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा एक चार छ आठ नौ और दस तो ये हमारा सी डैश हो गया ठीक है बच्चों समझ में आया यहां पर तो एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए मिला क्या कि देखो डैश क्या है तुम्हारे पास है एक तीन पांच सात नौ डैश में एक तीन पांच सात नौ है और ए में क्या है दो चार छ आठ दस तो जो ए ए है वो डैश में नहीं है जो ए में है वो डैश में नहीं है बात समझ में आ रहा है कि जो ए ए है वो डैश में नहीं है और जो डैश में है वो जो एडाइस में है वो ए में नहीं है और जो ए में है वो एडस में नहीं है उसी तरह बी का देखोगे तो जो बी में है एक तीन पांच सात नौ और बी डैस में दो चार छ आठ दस तो जो बी में है वो बीडाइस में नहीं है जो बीडाइस में है वो बी में नहीं है है ना तो इससे क्या पता चला उसी प्रकार सी का देखोगे तो दो तीन पांच सात है और सी डेस में एक चार छ आठ नौ दस है तो जो सी में है वो सी डैस में नहीं है और जो सी डेस में है वो सी में नहीं है तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट होता के में हम लोग हमेशा करते हैं। जो भी है उसको छोड़ दो और जो बाकी बच गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट में उसको लिख दिए ठीक है तो ए डैश में क्या होगा वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है ठीक है उस सबको लिख देते हैं तो इससे क्या पता चला कि अगर हम इस वाले को बी डैश को बी के साथ मिला दें बी डैश और बी को मिला दे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा एडैश को ए के साथ अगर हम मिला दें यूनियन कर दें है ना सम्मिलन कर दें एडस को ए के साथ तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा ठीक है तो यहां से क्या पता चला कि ए डैश यह ध्यान दे लो कि ए डैश यूनियन ए अगर कर लो ए डैश और ए को मिला दो ए डैश और ए को मिला दो यूनियन कर लो तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा आ जाएगा ना दिख रहा है यहां से ए डैश और ए को मिला दिया तो यूनिवर्सल सेट आ गया उसी प्रकार अगर इस दोनों का इंटरसेक्शन कर दो ए इंटरसेक्शन ए तो एक भी कॉमन मिलेगा ही नहीं ए डैश में देखो एक तीन पांच सात नौ है और ए में दो चार छह आठ दस है तो इस दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव हो जाएगा एक भी एलिमेंट हमको मिलेगा ही नहीं तो ये यहीं से दिख रहा था तो हम इसको बता दिया ठीक है समझ में आया बच्चों है ना समझ में आया तो यहां पर एक बात चाहो तो और आप लिख सकते हो ठीक है तो लिखो इसको एक बार इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो और चलो देखो एक चीज हम लोग यहां पर और क्या सीख लिए चलो देखो ध्यान से क्या हो रहा है हमारा यहां पर कि यहां से क्या पता चला कि हमारे पास कि अगर x a का अवयव अभ है x बिलोंग्स टू a इसका मतलब क्या होगा दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू ए डैश अगर x A का अभी अब है तो कभी भी x A डैश का नहीं होगा जो A में है वो कभी भी A एडाइस में नहीं होगा और अगर x A डैश का एलिमेंट है तो कभी भी x जो है वो A में नहीं होगा मतलब अगर A डैश में है x अगर A एडाश में है तो A में नहीं होगा अगर x A में है तो x A एडाश में नहीं होगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए दिस एम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए डैश और इसी को पलट के भी लिख सकते हैं कि अगर x a-ds में नहीं है तो x कहां होगा a में होगा और x अगर a में नहीं है तो x कहाँ होगा a डैस में होगा ठीक है बच्चों आगे समझ में तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि x a में नहीं है तो कहां होगा x a एडस में होगा और x अगर एडस में नहीं है तो x कहां होगा a में होगा ठीक है बच्चों इसको आप लोग जल्दी से एक बार नोट कर लो देखो वेन डायग्राम डेस का वेन डायग्राम वेन डायग्राम ऑफ एडेस तो एडेस का वेन डायग्राम कैसा होगा है ना वेन आर एक कैसा होगा एडस का तो बहुत सिंपल सा बात है ध्यान दो हम दोनों काम करके दिखाते हैं कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग एक इसका कि मान लो यूनिवर्सल सेट जो है हमारा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है ठीक है और ए जो हमारा है वो दो चार छ आठ दस है ठीक है तो वेन डायग्राम अगर बनाते हैं हम लोग एडाइस का तो कैसा होगा तो वेन डायग्राम में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को जो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट है ना आ, ये स्क्वायर से सूचित करते हैं एक रेक्टेंगल से आयत से ठीक है तो आ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट को एक आयत आयत कहने का मतलब रेक्टेंगल से दिखाते हैं और सेट को हम लोग इसके अंदर क्या चीज से दिखाते हैं सर्कल से मतलब ब्रिथ से ए हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया तो ठीक है सबसे पहले तुम लोग ए को लिख लेते हैं ए क्या है तुम्हारा तो ए डैश अपने को निकालना है ए डैश कहने का मतलब क्या होता है ना यूनिवर्सल में से ए को हटा दो यूनिवर्सल में से ए को क्या करो हटा दो तो बहुत सिंपल बात है यूनिवर्सल में से ए को हटा देंगे तो मान लो कि ये यूनिवर्सल है और ये वाला ए है इसको काटो और निकाल लो ठीक है तो ये निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखो एक छेद आ जाएगा जो बाकी जो ये सब बच गया ना ये सब तो ये सब जो बच गया हमारा ये सब जो बच गया ये सब जो क्षेत्र है ये ए डैश का क्षेत्र है मतलब 1 को छोड़ के जो बाकी बच जाता है वो a' का क्षेत्र हो गया है कि नहीं वो a' हो गया 1 को छोड़कर जो बच रहा है वो a' है हमारा है ना 1 को छोड़कर जो ये सब हिस्सा बचा तो ये सब हिस्सा क्या कहलाता है a' कहलाता है ठीक है अब तुम देखो यहां पर ध्यान से कि क्या है हमारे पास यूनिवर्सल a में क्या है तुम्हारा 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है ठीक है और यूनिवर्सल में 1 3 5 सात नौ तो अब साफ बात है कि इधर वाला ए को छोड़ के बाकी जो बच गया ये एक तीन पाँच सात नौ ये सब क्या है तुम्हारा ए डैश है ठीक है तो मतलब जिसका भी हमको क्या करना है डैश निकालना है जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है पूरक निकालना है हम क्या करेंगे यूनिवर्सल में से उसको हटा लेंगे तो जो बच जाएगा वो हमारा ए डैश हो जाएगा ठीक है बच्चों तो यहां से देखो ए डैश हमारा क्या आ गया यहां से भी देख सकते हो कि एक तीन पाँच सात और नौ आ गया ठीक है बच्चों तो ये हमारा A हुआ और यह एडस का वैन डायग्राम हुआ तो यहां पर हम लोग क्या सीखे कि जिसका भी डैश निकालना हो यूनिवर्सल से उसको हटा दो मतलब उसको छोड़ के एक निकालना एक को छोड़ के जो वाला पार्ट बच जाता है उसको हम लोग एडस कहते हैं ठीक है बच्चों इसको आप लोग लिख लो जल्दी से चलो देखो समुच्च के पूरक का गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स अब ये जो समुच्चय का पूरक होता है इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है क्या क्या इसका गुण होता है ठीक है तो देखते हैं इसका क्या क्या गुण होता है तो पहला आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ पूरक का नियम तो पूरक का नियम क्या होता है ए ए ए यूनियन डैश और ए डैश को मिला दो अभी करके देख रहे थे हम लोग ए और ए डैश को मिला लो ए में क्या है ए का एलिमेंट और ए डैश में क्या है? जो ए में नहीं है जो यूनिवर्सल में है तो दोनों को मिला लो है ना तो ए और ए डैश का अगर यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ए और ए डैश का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ठीक है दूसरा ए इंटरसेक्शन ए डैश हम लोग को पता है जो ए में होता है वो ए डैश में नहीं होता है जो ए डैश में होता है वो ए में नहीं होता है तो दोनों में कोई भी एलिमेंट तो कॉमन आएगा नहीं कोई भी कॉमन नहीं आएगा वो भयनिष्ट नहीं आएगा तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा हमारा फाइव हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश फाइव फाइव कहने का मतलब रिक्त समुच एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो ये था हमारा पूरक नियम ठीक है, दूसरा होता है डिमोर्गनस लॉ डिमोर्गनस लॉ डिमोर्गन्स नाम है मैथमेटिशियन थे तो उसका नाम है उन्होंने ही इसको ढूंढा था इसीलिए इसको डिमोर्गन लॉ बोला गया डिमोर्गन्स लॉ क्या कहता है डिमोर्गन का नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी का डैश कर दो ए यूनियन बी का डैश कर दो वो किसके बराबर आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आ जाएगा ठीक है तो ए यूनियन बी का डैश बराबर क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आ जाएगा ठीक है और ए इंटरसेक्शन बी का डैश कर दो तो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा ठीक है तो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है और इसको हम लोग वेन डायग्राम से ही प्रूफ करेंगे तो सवाल भी है बुक में एनसीईआरटी में तो हम जब इसको सवाल में इसका वेन डायग्राम बनाओगे बनाएंगे तो देखोगे कि दोनों का वेन डायग्राम सेम आ रहा है ठीक है तो वहां पर हम लोग इसको देख लेंगे ठीक है तो ये तुमको ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी का डैश जो होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है और ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश होता है डबल कॉम्प्लीमेंट लो द्विपूरक नियम दो बार अगर हम लोग किसी पे पूरक लगा दें ए है ए का एक बार डैश निकालें वापस से डैश लगाए ए डैश का डैश है ना तो ए डैश से पहले क्या करेंगे यूनिवर्सल से ए हटाएंगे तो ए डैश बचेगा और ए डैश को जब फिर से वापस यूनिवर्सल से हटाएंगे तो वापस से ए ही आ जाएगा बात समझ में आया तो ये हो गया डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब ए डैश का डैश ए डैश का डैश पहले हम लोग ए को यूनिवर्सल से माइनस किए फिर जो आंसर आएगा ए डैश क्या लाएगा उसको जब यूनिवर्सल से माइनस करेंगे तो वापस से ए ही बचेगा ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ और फिर चौथा आता है फाइ और यूनिवर्सल का नियम तो फाइ और यूनिवर्सल का नियम लॉ ऑफ फाइव एंड यूनिवर्सल तो क्या होता है फाई का डैश करो तो फाई का डैश कहने का मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल में से कुछ भी नहीं घटाएंगे फाइव मतलब कुछ भी नहीं एक भी एलिमेंट ही नहीं है कुछ भी है ही नहीं तो फाइव में कुछ नहीं घटाएंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बच जाएगा और यूनिवर्सल का डैश यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल से में से पूरा यूनिवर्सल ही घटा दो तो यूनिवर्सल में जब पूरा यूनिवर्सल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा फाइ आ जाएगा ठीक है बच्चों आया समझ में तो ये था तुम्हारा समुच्च के पूरक के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो आप तो अब देखो एक्सरसाइज 1.5 पॉइंट का पहला क्वेश्चन ठीक है तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट ये यूनिवर्सल सेट है ना समष्टि समुच एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है और ए का दिया हुआ एक दो तीन चार बी दिया है दो चार छः आठ और सी दिया है तीन चार पाँच छः तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए तो इस सबको ज्ञात करना है पहला बोला ए डैश तो चलो सॉल्यूशन करते हैं तो पहला ले लो हमारे पास ए कितना है ए है हमारे पास एक दो तीन चार ये है अच्छा ए डैश निकालना है अपने को तो ए डैश निकाल लो तो ए डैश बराबर क्या होता है तो एडस बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए तो यूनिवर्सल सेट कितना है हमारा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और माइनस यूनिवर्सल सेट में से एक को घटाना है अपने को तो एक को घटा लो तो ए है हमारे पास एक दो तीन चार तो यूनिवर्सल सेट में से एक को घटा दिए तो देखो क्या बच रहा है हमारा एक दो तीन चार घट जाएगा एक दो तीन चार घट जाएगा तो क्या बचा पाँच छः सात आठ नौ तो ये बच गया तुम्हारा पाँच छ सात आठ नौ तो ये तुम्हारा ए डैश हो गया पहला बन गया मेरा दूसरा देखो क्या है बी डैश है ना दूसरा क्या है हमारा बी डैश तो दूसरा देखो बी तो बी क्या है पहले तो बी निकालेंगे फिर बी डैश निकाल लेंगे तो बी है हमारा दो चार छ आठ ये बी है तो b डैश क्या आ जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल माइनस बी तो यूनिवर्सल में b घटा दो तो यूनिवर्सल क्या है हमारा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये यूनिवर्सल है इसमें से b को घटाना है अपने को तो माइनस बी बी क्या है हमारे पास दो चार छः आठ ऐसा है तो जब हम इसको घटाएँगे तो देखो दो घट जाएगा दो हटा दो चार चार इसमें घट जाएगा चार भी हटा दो छः छः इसमें से घट जाएगा छः भी हटा दो आठ घट जाएगा तो आठ भी हटा दो तो बचा क्या क्या हमारे पास एक बज गया तीन बज गया पाँच बज गया सात बज गया और नौ बज गया तो ये हमारा हो गया बी डैश ठीक है बच्चों आया समझ में तो आप लोग इसको नोट करो और चलो हम लोग अब चलते हैं तीसरे नंबर पर तो चलो देखो इसका तीसरा नंबर क्या है हमारा तीसरा ए यूनियन बी का डैश तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकालो तो A union B. ए यूनियन बी सॉरी ए यूनियन सी का डैश ए यूनियन सी निकालो तो ए कितना है हमारे पास ए है एक दो तीन चार ठीक है यूनियन और सी कितना है हमारा सी है हमारे पास यहां है सी तीन चार पाँच छः यूनियन यूनियन करेंगे तो सबको मिला के लिख देंगे हम लोग ठीक है यूनियन तो आता ही है निकालना सबको तो लिख दो सबको मिला के तो एक आ गया दो आ गया तीन आ गया चार आ गया और यहाँ पांच और छह भी है तो तो और भी आ गया तो ये मेरा ए यूनियन सी आया अब ए यूनियन सी का डैश निकालते हैं हम लोग तो अब ए यूनियन सी का डैश तो ए यूनियन सी का डैश बराबर क्या हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस जिसका भी डैश निकालना है उसको यूनिवर्सल में से घटा देना है अपने को तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी निकाल दो तो यूनिवर्सल आ गया तुम्हारा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये यूनिवर्सल अब माइनस उसमें से क्या करेंगे ए यूनियन सी करेंगे माइनस ए यूनियन सी तो ए यूनियन सी एक दो तीन चार पाँच छः हो गया ठीक है अब इसको घटाओ तो एक से लेकर छः तक तो घट गया एक खत्म दो खत्म तीन खत्म चार खत्म पाँच खत्म छः क्या बचा सात आठ नौ तो मेरा आ गया तुम्हारा सात आठ और नो no, ये हमारा आंसर हो गया तो ये था तुम्हारा ए यूनियन सी का डैश ठीक है आया समझ में इसको लिख लो चलो हम लोग अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर फोर्थ क्वेश्चन इसका तो देखो फोर्थ क्वेश्चन तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा फोर्थ है ए यूनियन बी का डैश ए यूनियन बी का डैश तो चलो ए यूनियन बी का डैश तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं तो ए यूनियन बी एक दो तीन चार यूनियन और बी क्या है हमारे पास दो चार छ आठ ऐसा आ गया तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो सबको मिला के लिख दो एक दो तीन चार और साथ में छः आठ एक दो तीन चार छ आठ आ जाएगा एक दो तीन चार छ और आठ ये आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी ठीक है तो अब समझो तो ए यूनियन बी का डैश तो जैसे ही ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से घटाना है अपने को तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ अब माइनस और माइनस क्या है हमारा ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी देखो कितना है तुम्हारा एक दो तीन चार छः और आठ ऐसा है तो देखो क्या एक घट जाएगा दो भी घट गया तीन भी घट गया चार चार भी घट गया छः घट गया और आठ घट गया तो बचा क्या पाँच सात और नौ तो इससे हम लोग इसको कर सकते हैं पाँच सात और नौ तो ये हमारा आंसर हो गया ए यूनियन बी का डैश ठीक है बच्चों आ गया समझ में तो आप लोग इसको लिखो जल्दी से और चलो हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर पर तो फिफ्थ नंबर पर चल रहे हैं हम लोग पाँचवा नंबर देखो तो पांचवा देखो क्या है हमारा तो पांचवा है ए डैश का डैश तो पांचवा सबसे पहले तो ए डैश निकाल लेते हैं पांचवा ए डैश तो ए डैश क्या होगा यूनिवर्सल माइनस ए तो यूनिवर्सल है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और माइनस ए क्या है तुम्हारा एक दो तीन चार एक दो तीन चार इससे हटाना है तो देखो एक हट गया दो हट गया तीन हट गया चार हट गया बचा क्या क्या बचा पांच छ सात आठ नौ ये बचा तो ये ए डैश है तुम्हारे पास ठीक है तो दिस इम्प्लाइज फिर से हम ए डैश का डैश निकालते हैं तो क्या होगा यूनिवर्सल माइनस ए आ जाएगा ए डैश आ जाएगा यूनिवर्सल में ए को हटाएंगे तो यूनिवर्सल वापस से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ हो गया और माइनस यूनिवर्सल में से ए डैश को हटाना है तो एडाइस क्या है हमारे पास डैश है पाँच छः सात आठ और नौ ऐसा है तो देखो पाँच हट गया छः हट गया यहाँ सात है तो सात भी हट गया यहाँ आठ है तो आठ भी हट गया यहाँ नौ है तो नौ भी हट गया तो ये सब हट गया यहाँ से ठीक है तो पाँच हट गया छः हट गया सात हट गया आठ हट गया, गया और नौ हट गया तो बचा यहाँ पर क्या हमारा यहाँ बचा है हमारा एक दो तीन और चार ऐसा बच गया हमारे पास तो एक दो तीन चार वापस से देखो ए ही आ गया है ना तो ए डैश का डैश करते हैं तो ए आता, ए आता है। अभी तुरंत पढ़े डबल कॉम्प्लीमेंट लो ठीक है दो बार अगर हम डैश करेंगे तो फिर वही एलिमेंट आ जाता है तो यह था हमारा कौन सा क्वेश्चन पांच चलो छह नंबर पर चलते हैं छ नंबर देखो छः नंबर क्या है तुम्हारा बी माइनस सी तो पहले तो बी माइनस सी हम लोग निकालेंगे तो बी क्या है हमारे पास दो चार छ आठ और माइनस सी क्या है तुम्हारा तीन चार पाँच छः अब इसको घटाओ तीन देखो इसमें है ही नहीं हटाओ चार है इसमें है तो चार हट गया पाँच है इसमें है ही नहीं छः है हाँ इसमें है तो छः भी हट गया तो बचा यहाँ क्या दो और आठ तो बी माइनस सी हमारा बच रहा है दो और आठ ठीक है मतलब बी का एलिमेंट जो सी में नहीं हो तो ये हमारा दो और आठ बज गया अब देखो बी माइनस सी का डैश कर लो ये यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी हो जाएगा तो यूनिवर्सल क्या है हमारा एक से लेके नौ तक तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ माइनस बी माइनस सी देखो क्या आया मेरा दो आठ आया तो दो और आठ बी माइनस सी आया अब इसको इससे घटा लेते हैं तो दो यहाँ से यह हट गया आठ आठ भी हट गया तो क्या बचा एक तीन चार पांच छ सात और नौ ठीक है ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर छ का तो ठीक है बच्चों आ गया समझ में इसको आप लोग लिख लो एक बार जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है यदि यू यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच ए बी सी डी एफ जी एच यूनिवर्सल सेट है तो निम्नलिखित का पूरा ज्ञात करें तो निम्नलिखित का पूरा ज्ञात करना है तो देखो पहला क्या है हमारा पहला है ए ए दिया हुआ है तो पहला ए डैश निकाल लो तो यूनिवर्सल माइनस ए हो जाएगा तो यूनिवर्सल है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस है ना? और ए क्या है हमारा ए बी सी ए बी सी तो ए घटा दो इससे बी 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 हट गया यहाँ से सी है तो सी बी हट गया तो क्या बच गया हमारा बचा डी ई एफ जी एच ये बच गया ठीक है दूसरा देखो दूसरा क्या है बी डैश तो बी का निकालना है तो यूनिवर्सल माइनस बी कर लो तो यूनिवर्सल है ए बी सी डी ई एफ जी एच अब माइनस बी देखो बी घटाओ बी बी क्या है तुम्हारा डी ई e, एफ जी तो डी ई एफ जी तो डी हट गया यहां से ई e बी हट गया यहां से एफ भी हट गया यहां से जी भी हट गया क्या बचा ए बी सी एच ए बी सी एच बचा यहाँ यहां पर ठीक है यहां बच रहा है हमारा ए बी सी और एच बचा ठीक है तीसरा देखो क्या है हमारा सी है तो सी डैश निकालना है तो तीसरा क्या है हमारा सी डैश तो सी डैश का मतलब यूनिवर्सल माइनस सी तो यूनिवर्सल है ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस सी देखो क्या है तुम्हारा ए सी ई e, जी तो ए देखो यहाँ से हट गया ए इसका ए यहाँ हटा दिए सी यहाँ हटा दिए ई e देखो उसके बाद ई e है ई e हट गया और जी जी भी हट गया तो क्या बचा बी डी एफ एच बी डी एफ एच बचा तो यहाँ बच गया हमारा बी डी एफ और एच ये बचा चलो चौथा देखो डी है हमारा तो चार नंबर डी है हमारा डी डैश तो क्या है तुम्हारा यूनिवर्सल माइनस डी कर लो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस डी देखो क्या है हमारे पास एफ जी एच ए है ना एफ जी एच और ए इसको घटा दो एफ घट गया जी भी घट गया एच भी घट गया है ना एच हो गया और ए भी घट गया तो यहाँ ए है ए भी घटा दो ठीक है तो अब क्या बचा वहाँ पर बी सी डी ई ये बच गया ठीक है बच्चों तो ये तुम्हारा चारों का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालने मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट जो पूरक निकालते हैं जिसका पूरक निकालते हैं यूनिवर्सल में से उसको घटा लेते हैं ठीक है आ गया समझ में इसको आप लोग एक बार नोट कर लो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च को सार्वत्रिक समुच मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए तो प्राकृतिक संख्या के समुच को बोल रहा है यहां पर आप सार्वत्रिक समुच मान लीजिए मतलब यूनिवर्सल सेट तो प्राकृतिक संख्या का समुच तो प्राकृतिक संख्या का समुच क्या हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ऐसा चलते जाएगा है ना तो ये सब क्या है इसको ना यूनिवर्सल सेट मान लो ठीक है और क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो जो क्वेश्चन है इसका हमको पूरक निकालना है मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमको क्या करना है कि जिसका भी पूरक निकालना है उसको प्राकृतिक संख्या में से घटा देंगे जिसका भी पूरक निकालना है उसको क्या करेंगे प्राकृतिक संख्या में से घटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या में से उसको घटा देंगे जो बाकी बच जाएगा उसका पूरक हो जाएगा है है ना तो चलो देखो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा एक प्राकृतिक सम संख्या है तो यहां पर सम विषम की बात आ गई तो प्राकृतिक संख्या में दो ही तरह का संख्या होता है अगर सम विषम के रूप में देखें तो पहला सम संख्या जिसमें दो से भाग लगती हो और दूसरा विषम संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लगती हो है ना दो ही तरह का होगा प्राकृतिक संख्या में दो तरह की संख्या हो गई एक सम संख्या जिसमें दो से भाग लग रही है और एक विषम संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लग रही है तो चलो देखो यहां पर ध्यान से तो अगर हम लोग इस प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में इस सम संख्या को घटा दें तो प्राकृतिक संख्या से सम संख्या को निकाल लो बाहर तो अब उसमें क्या बच गया खाली विषम संख्या बच गया तो वही हो गया हमारा इसका पूरा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका उत्तर हो जाएगा तुम्हारा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या संख्या सम तो घटा दिए हैं पूरे प्राकृतिक संख्या में से तो सम संख्या घटा दिया है तो क्या बच गया विषम संख्या है विषम संख्या है ठीक है विषम संख्या है ठीक है तो प्राकृत जिसका भी पूरक निकालना होता है क्या करते हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट जो सार्वत्रिक समुच होता है समष्टि समुच होता है उससे घटा देते हैं ठीक है तो प्राकृतिक संख्या में से इसको घटा दिए तो प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या को घटा दिए तो क्या बच गया विषम संख्या बच गया चलो दूसरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दो नंबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है अब इसका पूरक निकालना है इस बार विषम संख्या को घटा देंगे हम लोग क्या करेंगे विषम संख्या को घटा देंगे तो जब विषम संख्या को घटा देंगे तो पूरे प्राकृतिक संख्या में दो ही तरह की संख्या होती है बोले थे एक एक सम और विषम विषम तो तो जब को घटा देंगे तो उसके अंदर क्या बच जाएगा मतलब जिसमें दो से भाग ना लगे उसको घटा दो तो क्या बचा जिसमें दो से भाग लगे मतलब सम संख्या बच गया तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तुम्हारा तो इसका उत्तर हो जाएगा इसी के भाषा में लिखेंगे दैट एक प्राकृतिक सम संख्या प्रकृत सम संख्या है ठीक है बच्चों ऐसा हो गया चलो तीसरा देखो क्या कह रहा है एक एक संख्या तीन का एक धन गुणज है अच्छा तीन के गुणज के बारे में सोचो तो देखो तीन का गुणज के बारे में सोचेंगे तो किसी भी प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संख्या का पूरा का पूरा समुच्चय है उसमें दो तरह की संख्या हो जाएगी एक जिसमें तीन से भाग लगे और एक जिसमें तीन से भाग ना लगे है ना तो यहां बोल रहा है तीन का गुणज मतलब तीन का पहाड़ा मतलब जिसमें तीन से भाग लग जाए वो सब तीन का गुनज है अब इसका अगर हमको पूरक निकालना है तो हमको क्या करना है प्राकृतिक संख्या में से क्योंकि प्राकृतिक संख्या मेरा सर्वत्रिक समुच है या समष्टि समीच उसमें से इसको घटा देंगे तो जब तीन का गुनज वाले को घटा देंगे तो जो बच गया उसमें क्या होगा तीन से भाग नहीं लगेगा मतलब वो तीन का गुनज नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग इसका उत्तर देखो इसका उत्तर क्या लिखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स संख्या तीन का एक धन गुणज नहीं है तीन का एक धन गुणज नहीं है ठीक है तीन का एक धन गुणज नहीं है समझ में आया बात तीन का गुणज को हटा दिया प्राकृतिक संख्या में से जो बच गया वो एक गुणज नहीं है आया समझ में तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से लिख लो देखो क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है एक्स तरह की संख्या होती है भाज्य और अभाज्य। हम लोग प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं एक दो तीन चार पांच ऐसा तो भाज्य संख्या क्या होती है एक संख्या जिसको जो है ना एक और खुद के अलावा और किसी से भाग लग जाए तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं और अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें एक से और खुद से भाग लगे इसके अलावा और किसी से भाग न लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या ठीक है लेकिन ध्यान रखना एक क्या है एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या तो पूरी प्राकृतिक संख्या में से एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है तो बहुत सिंपल बात है यहां पर देखो कह रहा है कि एक्स एक्स एक अभाज्य संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में से अभाज्य संख्या को घटा देंगे तो अभाज्य संख्या को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा भाज्य संख्या बच जाएगा लेकिन भाज्य संख्या के अलावा एक संख्या और बच जाती है एक है ना क्योंकि अभाज्य संख्या में तो तुम्हारा एक है नहीं और भाज्य अगर बोल दें तो भाज्य में भी एक नहीं आएगा क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है समझ में आ रही है बात मेरी तो इसीलिए तो यहां पर क्या हो गया कि अगर हम लोग ये जो है तुम्हारा अभाज्य संख्या है प्राकृतिक संख्या में से सारा अभाज्य संख्या घटा दें तो इसमें क्या बचेगा भाज्य संख्या बचेगा और एक बच जाएगा इसीलिए यहां पर हम लोग इसका उत्तर में क्या लिखेंगे इसका उत्तर में लिख देंगे एक्टर एक्स सच दैट एक्स जो है सच देट एक्स बराबर एक एक तो बचेगा ही बचेगा और और एक भाज्य संख्या है एक भाज्य संख्या है ठीक है एक भाज्य संख्या है अब सारा भाज्य हो गया भाज्य कहने का मतलब हो गया जिसमें एक और खुद के अलावा दूसरे से भी भाग लगे जैसे चार जैसे छे जैसे आठ नौ दस ये सब भाज्य संख्या लेकिन यहां क्योंकि भाज्य बोलने का मतलब एक नहीं होता था और जब इसमें से अभाज्य घटाएंगे तो उसमें एक भी बचेगा इसीलिए लिख दिए एक्स अजद एक्स बराबर एक और एक भाज्य संख्या बात समझ में आया ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे चलो अगला देखो क्या है पांच नंबर एक्स अजद एक्स तीन और पांच से विभाजित होने वाली संख्या है तो यहां पर क्या कह रहा है कि तीन और पांच से विभाजित होने वाली संख्या है अब प्राकृतिक संख्या में से तीन और पांच से जो तीन से और पांच से दोनों से विभाजित हो जाए वो संख्या उसको घटा देंगे उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा क्या लिख देंगे कि एक एक और पांच से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है जो कि तीन और पांच से विभाजित ना हो ठीक है तो इसको इस तरह से लिख देंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा एक्स एल डेट एक्स तीन और पांच से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है तीन और पांच से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है नहीं होने वाली एक संख्या है एक संख्या है ठीक है समझ में आया तो साफ बात है जो हमको ये पूरक निकालना होता है कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो समष्टि समुष्टि में से जिसका निकालना उसको सीधे हटा दो जो बच गया वो हो जाएगा तुम्हारा है ना अब देखो अगला क्या था एक, एक, एक पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या होता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग जैसे एक पूर्ण वर्ग एक का स्क्वायर कर रहे हैं एक आ रहा है एक पूर्ण वर्ग है चार देखो पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये दो का स्क्वायर है नौ ये सब पूर्ण वर्ग है तो अब पूर्ण वर्ग को हटा दो तो जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो यहां पर क्या लिखेंगे इसका उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स एक, एक पूर्ण वर्ग नहीं है पूर्ण वर्ग नहीं है है ना वर्ग नहीं है ठीक है तो ये हो गया हमारा इसका पूरा समझ में आ गया बच्चों तो एक बार तुम जल्दी से इसको लिख लो देखो सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक्स सच that एक्स पूर्ण घन संख्या है तो पूर्ण घन संख्या देखो क्या होता है पूर्ण घन कहने का मतलब क्यूब है ना तो घन क्या होता है जैसे एक का घन एक तो एक क्या पूर्ण घन संख्या है है ना दो का घन होता है आठ तो आठ पूर्ण घन संख्या है दो नहीं है, है ना दो गुना दो गुना दो तीन बार गुना करते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूब

पूर्ण घन संख्या नहीं है है ना घन संख्या नहीं है ठीक है बच्चों? आया समझ में चलो अगला देखो आठ नंबर क्या करें एक्स एस डेट एक्स प्लस फाइव बराबर आठ एक्स एस डेट क्या है तुम्हारा एक्स एस डेट एक्स प्लस फाइव बराबर आठ मतलब एक्स प्लस पांच बराबर आठ है इसका मतलब x बराबर क्या हो गया आठ माइनस पांच कितना आ गया? तीन आ गया तो x का मान जो हमारा तीन है तो में ये हमारा तो हम प्राकृतिक संख्या है माइनस कर देते हैं उसमें से तीन माइनस तीन है ना तीन को छोड़कर बाकी प्राकृतिक संख्या तो एक्स सच देस बिलोंग्स टू तीन और एक्स तीन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और और जो है वो तीन नहीं है ऐसा लिख दिए तो पूरा प्राकृतिक संख्या लेकिन तीन नहीं है मतलब तीन को छोड़ के बाकी हो गया उसी तरह यहां देख लो ये क्या है तुम्हारा दो एक्स प्लस पांच बराबर नौ दो एक्स प्लस बराबर क्या है तुम्हारा नौ इसको हल करो तो दो एक्स बराबर नौ माइनस पांच क्या हो गया चार और यहां से हल करो एक्स बराबर क्या आ गया दो तो एक्स क्या है तुम्हारा दो है तो एक्चुअली में ये दो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है दो तो दो को जब हम लोग क्या करेंगे आ, पूरी प्राकृतिक संख्या से घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा है? है, प्राकृतिक संख्या का और एक्स और क्या नहीं होगा क्योंकि दो को हटाना है और एक्स मेरा दो नहीं है एक्स मेरा दो नहीं है दो को छोड़कर दो को छोड़कर बाकी जो है वो हमारा इसका जो है पूरक है ठीक है बच्चों आया समझ में तो इसको एक बार जल्दी से आप लोग नोट कर लो देखो दस नंबर क्वेश्चन दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है रहे से बड़ा या बराबर सात से बड़ा या बराबर तो पूरी प्राकृतिक संख्या में से सात से बड़ा या बराबर को घटा दो तो एक दो तीन चार पांच छह बच जाएगा है ना तो जब सात से बड़ा या बराबर को घटा दोगे तो सात से छोटा बच जाएगा तो बस इसका उत्तर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका उत्तर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स क्या है, तुम्हारा बिलोंग्स टू नंबर है और ये प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या है और एक्स जो है वो सात से छोटा है तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो गई और सात से छोटा एक दो तीन चार पांच छो आ गया इसका उत्तर में सात से आगे को हटा दिया तो छह तक बच गया ठीक है उसी तरह यहां पर एक्सैट एक्स क्या है तुम्हारा प्राकृतिक संख्या और दो एक्स प्लस एक प्लस एक वो है दस से बड़ा तो चलो पहले इसको हल करके देख लेते हैं तो दो एक्स प्लस एक जो है वो दस से बड़ा है तो एक को उठा के ले आओ तो दो एक्स जो है दस माइनस एक मतलब दो एक्स जो है वो नौ से बड़ा है और एक्स जो है वो नौ बटे दो नौ बटे दो कहने का मतलब साढ़े चार है ना मतलब एक्स जो है वो चार पॉइंट से बड़ा है तो चार पॉइंट से बड़ा है संख्या है ना तो जब हम क्या करेंगे इसमें से चार पॉइंट से बड़े संख्या को घटा देंगे चार पॉइंट मतलब चार पॉइंट चार से बड़े संख्या को घटा दो तो जो संख्या बच जाएगी वो पांच से छोटी हो जाएगी या चार पॉइंट पांच से छोटी हो जाएगी है ना तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा X सच that x प्राकृतिक संख्या है और और x छोटा है x छोटा है या तो नौ बटे दो से छोटा कर लो तो भी चलेगा पांच से छोटा लिख दो तो भी चलेगा या चार से छोटा या बराबर लिख दो तो भी चलेगा एक ही बात होता है सबका मीनिंग तो हम लिख देते हैं कि यह नौ बटे दो से छोटा है है ना यहाँ नौ से नौ बटे दो से बड़ा हो रहा था अब यहां नौ बटे दो से क्या कर लिए छोटा प्राकृतिक संख्या ले लिए ये तुम्हारा इसका पूरक हो गया तो आ गया बच्चों समझ में तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोगों ने पूरा बना लिया आप लोग इसको जल्दी से लिख लो फिर आगे करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फोर यदि यू यू कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट है ना समष्टि समुच एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ है ए बराबर दो चार छः आठ है और बी बराबर दो तीन पांच सात है तो सत्यापित कीजिए ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश ठीक है तो चलो आ, हमको ये प्रूफ करना है दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है ए दिया है बी दिया है ठीक है तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे हम लोग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपने को निकालना है तो सबका सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं ए डैश निकाल लेते हैं तो ए डैश जो जो हमको यहां पर दिया हुआ ए डैश निकाल लेते हैं बी डैश निकाल लेते हैं ए यूनियन बी निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं फिर आसानी से कर पाएंगे तो ए डैश बराबर क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए हो जाएगा तो यूनिवर्सल सेट है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ a माइनस ए देखो कितना है हमारे पास दो चार और छः आठ ऐसा है तो जब हम लोग दो चार छः आठ को इसमें घटाएँगे तो दो घट जाएगा मेरा और चार भी घट जाएगा छः भी घट जाएगा आठ भी घट जाएगा ठीक है तो देखो क्या बच रहा है हमारे पास तो ए डैश में देखो क्या बच रहा है हमारे पास एक बच गया तीन बज गया पाँच बज गया सात बज गया और नौ बज गया अब इसने जो बचा हुआ एलिमेंट था वही ए डैस हो गया हमारा ये ए डैस हो गया ठीक है चलो अब देखो बी डैस करते हैं हम लोग तो देखो बी डैस तो बी डैस बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस बी तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी तो फिर से यूनिवर्सल सेट वही एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अ माइनस बी देखो क्या है हमारे पास दो तीन पाँच सात ऐसा है अब देखो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं देखो क्या बचता है तो होता है यहां पर क्या एक तीन देखो दो तीन तो घट जाएगा ना देखो यहां से दो घट गया तीन घट गया पांच घट गया सात घट गया तो क्या क्या बचा एक बचा एक के बाद चार बचा छ बचा आठ बचा और नौ बचा एक चार छ आठ नौ ये हो गया तुम्हारा बी ठीक है अब देखो ए यूनियन बी की अपने को जरूरत पड़ने वाली है तो ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं तो देखो ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी देखो क्या है तुम्हारे पास आ, दो चार छ आठ यूनियन बी देखो क्या है तुम्हारे पास दो तीन पांच सात तो इसका यूनियन कर लो तो सब मिला के लिखो दो चार छः आठ दो तीन पांच सात तो दो आ गया तीन आ गया चार आ गया पाँच आ गया छ गया सात आ गया आठ आ गया ठीक है तो ये आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है तो ये है तुम्हारा दो चार छ आठ इंटरसेक्शन और बी है हमारा दो तीन पाँच सात तो इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालो तो दो चार छः आठ दो तीन पाँच सात तो दो दोनों में दिख रहा है तो इंटरसेक्शन हो गया दो इस तरह से हम लोगों ने सारा चीज़ें यहाँ पर निकाल लिया अब देखो पहला पहला का एल तो पहला का एल क्या है तुम्हारा ए यूनियन बी का डैश तो ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी तो यूनिवर्सल में ए यूनियन बी घटा लो तो यूनिवर्सल है हमारे पास ये जो यूनिवर्सल है क्या है एक से लेकर नौ तक है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ माइनस ए यूनियन बी देखो क्या आया हमारे पास ए यूनियन बी आया है हमारे पास दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब जब इसको घटाओगे तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा दो दो खत्म तीन है तीन खत्म चार भी खत्म पाँच छ सात आठ तो है क्या क्या एक और नौ तो ये एक और नौ बच गया ठीक है ये तो ए यूनियन बी आ गया ठीक है अब देखो आर एच एस साइड लेते हैं तो आर एच एस देखो क्या है हमारे पास आरएचएस आर एच एस हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो ए डैश तो ए डैश रहा मेरा यहाँ पर क्या है तुम्हारा एक तीन पांच सात नौ इंटरसेक्शन बी डैश बी डैश देखो क्या है तुम्हारे पास बी डैश ये रहा एक चार छः आठ नौ एक चार छः आठ और नौ ठीक है तो इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो एक और नौ बचा यहाँ भी देखो एक और नौ दोनों में कॉमन है तो यहां से भी क्या आ गया एक और नौ आ गया ठीक है बच्चों तो यहां से क्या हो गया हमारा एल और आरएचएस दोनों बराबर हो गया ठीक है तो ये पहला बन गया तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो चलो अब देखते हैं दूसरा चलो दूसरा देखो दूसरा दूसरा क्या है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो बराबर यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी ऐसा तो यूनिवर्सल क्या है हमारे पास यूनिवर्सल तो एक से लेके नौ तक है तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है तुम्हारा दो है ठीक है ए इंटरसेक्शन बी क्या है तुम्हारा दो है तो दो है ऐसा लिख दिए ठीक है तो अब इसमें से दो घटा लो तो इसमें से दो घटाओगे तो क्या बचेगा दो को छोड़ के तो एक तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ ये बच गया तुम्हारा ठीक है ए इंटरसेक्शन बी का डैश ये आ गया और आर एच एस में क्या है तुम्हारे पास चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते इसको तो समीकरण एक मान लेते हैं और आर एच एस में क्या है तुम्हारे पास आर एच एस में ए डैश यूनियन बी डैस तो एल एच एस यहाँ नहीं लिखे थे तो इसको एक समीकरण एक मान लेते या फिर इसको यहाँ एल एच एस भी लिख सकते थे दूसरा का यहाँ पे दूसरा नंबर एल एच एस लिख लो ये एल एच एस हो गया हमारा ठीक है अब ये आर एच एस कर लो तो आर एच एस बराबर अब समीकरण एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल एच एस लिख लें तो एक लिखने की जरूरत नहीं है हमको तो ए डैस यूनियन बी डैस तो ए डैस देखो क्या है हमारा ए डैस है हमारे पास एक तीन पाँच सात नौ यूनियन बी डैस देखो क्या है हमारे पास एक चार छ आठ और नौ अब दोनों का यूनियन करेंगे सब मिला के लिख देंगे तो लिख दो मिला के सब तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा एक तीन चार पाँच देखो एक तीन यहाँ चार फिर पांच फिर यहाँ यहाँ सात आठ नौ सात आठ नौ तो देखो दोनों बराबर आ गया एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या हो गया बराबर हो गया और यही तो अपने को साबित करना था है ना तो एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस दो प्रूफ ठीक है और यही अपने को साबित करना था तो ठीक है बच्चों समझ में आ गया यह था चार नंबर का क्वेश्चन ठीक है तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फाइव निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए तो अपने को क्या करना है वेन डायग्राम बनाना है वेन आर खींचना है ठीक है जैसे पहला ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश और चौथा ए डैश यूनियन बी डैश तो चलो पहला का खींचते हैं देखो पहला का ध्यान देना पहला का क्या कह रहा है ए यूनियन बी का डैश अपने को ए यूनियन बी का डैश खींचना है ठीक है तो कैसे खींचेंगे देखो ध्यान से मान लो ये वाला हमारा ए hmm. है ये वाला हमारा बी है ये ए है और ये बी है ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है ना क्योंकि यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयत से और जो सेट होता है समुच्च होता है उसको वृत्त से दिखाते हैं ए हो गया तो ए यूनियन बी का हिस्सा क्या है तो ए यूनियन बी मतलब एक पूरा का पूरा देखो अगर ए यूनियन बी का बात करेंगे तो ए यूनियन बी ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी ये पूरा देखो ये वाला ये वाला ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा ए यूनियन बी अच्छा ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो ए यूनियन बी को छोड़ के जो बाकी हिस्सा बच रहा है वो क्या होता है ए ए यूनियन बी का डैश तो ये ए यूनियन बी है है ना ए यूनियन बी है तो ये तो ए यूनियन बी है ये वाला हिस्सा ए यूनियन बी है इसको छोड़कर इसको छोड़कर तो ये ए यूनियन बी है इसको छोड़कर जो हिस्सा बच जा रहा है तो इसको छोड़कर कौन सा हिस्सा बच जा रहा है इधर वाला ये सब तो ये सब तुम्हारा ए यूनियन बी का डैश है ठीक है तो ये सब जो है ना तुम्हारा ए यूनियन बी का ये डैश है तो इधर वाला उसको छोड़ के ये वाला ए यूनियन बी का डैश है तो चाहो तो ये हो गया ये तो हम समझाने के लिए था हमारा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से ये अंदर वाला चीज़ को हटा देंगे ये अंदर वाला चीज़ मेरा नहीं है है ना ये अंदर वाला नहीं है इसको हटा दिए तो ए यूनियन बी को मार्क किए और ए यूनियन बी को हटा दिए तो ये ए यूनियन बी का डैश ए यूनियन बी वाले को छोड़ के तो ये जो छोड़ के जो हिस्सा बचा वो हमारा क्या है ए यूनियन बी है का डैश है तो अब जो ये बच रहा है हमारा ये ए यूनियन बी का ये तो ए यूनियन बी का हिस्सा था ये वाला तो ए यूनियन बी के हिस्सा को छोड़ के ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी था मेरा तो इसको छोड़ के ये जो बाकी बच रहा है ये ए यूनियन बी का डैश है तो इसको लिख देते ए यूनियन बी का डैश ये पूरा जो हिस्सा इधर बचा ये ए यूनियन बी का डैश है ठीक है तो ये यूनियन बी का डैश हुआ इसका वह नागरिक हो गया ए यूनियन बी को छोड़ के समझ में आ गया होगा दूसरा देखो दूसरा क्या कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखो इसको कैसे समझते हैं ध्यान दो ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस तो मान लो ये ए है और ये क्या है तुम्हारा बी है ठीक है तो थोड़ा देर के लिए समझ लो कि अगर हम लोग छोटा छोटा क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैस चाहिए तो ए डैस पहले निकालते हैं तो यहाँ देखो ए A, A को छोड़कर जो बाकी हिस्सा आ गया वो ए डैस है ये यूनिवर्सल है तो ए को छोड़ के ए को छोड़ के जो बाकी हिस्सा आ रहा है वो क्या है हमारा ए है ए को छोड़ के जो बाकी हिस्सा आ रहा वो है वो ए डैश है ना तो ए को छोड़ के जो बाकी हिस्सा आ रहा है वो ए डैश है और बी डैश कैसा यहाँ तो ए डैश मिल गया हमको यहाँ से बी डैश देख लेते हैं बी को छोड़ के जो हिस्सा बच रहा है वो बी डैश है ये बी है ये ए है ये मान लो बी है तो बी को छोड़कर जो हिस्सा बच रहा है ये सब बी को छोड़कर तो ये बी डैश है ये वाला हिस्सा क्या है हमारा ये बी डैश है बी को छोड़कर बाकी जो हिस्सा बच रहा है ये बी डैश है ठीक है ये सब बी डैश है अब इसका क्या करना है इंटरसेक्शन जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो तो देख लो सबसे पहली वाली बात ये देखो ये इसमें नहीं है इसमें है इसमें नहीं है तो ये वाला चीज तो अपने को नहीं लेना है ये वाला देखो ये वाला ये वाला हिस्सा ये वाला ये वाला हिस्सा ये तो देखो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं लेना है इसके बाद इस हिस्सा पर आते हैं ये हिस्सा इसमें है इसमें नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो नहीं आता इसमें भी नहीं है और इसको छोड़ के बाहर वाला देखो इसमें भी है बाहर वाला इसमें भी है तो इसका मतलब ये बाहर वाला सारा मेरा हो जाएगा ठीक है इसको छोड़ के बाहर वाला सारा हिस्सा मेरा एस इंटरसेक्शन बी डे में आ रहा है है ना ये सारा बाहर वाला हिस्सा इसमें आ रहा है ठीक है आ रहा है तो अब तुम देखो यहां से ये तुम्हारा एडस इंटरसेक्शन बीडाइस का हिस्सा आ गया तो अगर हम इसको एडाइस इंटरसेक्शन बिडाइस बोले तो दोनों सेम हो गया है ना और यही तो हम लोग पढ़े थे डिमोरगन थ्योरम में डिमोरगन लॉ में कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश जो होता है यहाँ से पढ़े थे कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है यही हम लोग डिमॉर्गन स लॉ में पढ़े थे समझ में आया बात आगे समझ में इसको एक बार जल्दी से आप लोग लिख लो हम लोग फिर आगे बात करते हैं तो चलो चलो अब इसको मिटा रहे हैं है ना इसको आप लोग अच्छे से बना लेना चलो नंबर तीन पर आते अब हम लोग चलो देखो नंबर तीन पर आते हम लोग तीसरा क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो चलो ए इंटरसेक्शन बी का डैश देखते हैं ये रहा हमारा ए ये रहा हमारा बी तो ए इंटरसेक्शन अगर बी की बारी बात करो तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है ये वाला हिस्सा होता है ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है ना ये वाला इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको छोड़ के जो बाकी हिस्सा आ रहा है उसको हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश उसको छोड़ के बाकी हिस्सा उसको छोड़ देना है।, है ना वो जो पहले से ए इंटरसेक्शन बी था डैश था तो उसको छोड़कर उसको छोड़कर बाकी हिस्सा जो हमारा है तो इसको छोड़ रहे हैं हम लोग इसको मिटा देते हैं फिर से इसको छोड़कर बाकी जो हिस्सा है तुम्हारा वो तुम्हारा एड ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो ये सारा हिस्सा ये क्या है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो गया है ना और चौथा देखो एडेस यूनियन बी डैस है ठीक है एडस यूनियन बी डैस है तो चौथा देखो एडस यूनियन बी डैस तो इसमें फिर से देखो क्या हम लोग देखेंगे एडस यूनियन बी डेस सारा ले, ले लेना है तो यहाँ पर मान लो ये ए है और यहाँ पे मान लो ये B है ये तो यूनिवर्सल है ही तुम्हारा ये यूनिवर्सल सेट था ठीक है तो अब देखो यहाँ पर हम छोटा सा पहले क्या करते हैं ये A है ये B है समझने में आसानी होगी और एक छोटा सा और ले लेते हैं ये A है और ये B है तो A डायस अगर करेंगे तो A को छोड़ के A को छोड़ के इधर का हिस्सा हमारा A में हो गया ठीक है और B अगर हम लोग करो तो B को छोड़ के तो बी को छोड़ के ये जो हिस्सा आ रहा है बी को छोड़ के ये आ रहा है आ रहा है अब इसका ना यूनियन करना है यूनियन करना है मतलब जो एक में हो जो पहले में हो जो दूसरे में हो और जो दोनों में हो तो अब एक एक करके हिस्सा देखते हैं तो इस वाले हिस्सा को देख रहे हैं पहले इस वाला हिस्सा यहाँ नहीं है लेकिन यहां है तो पहला हिस्सा ये वाला ये वाला यहां है यहां नहीं है यहां है तो इसका मतलब ये मेरा आंसर में आ गया चलो ये मेरा आंसर में आ गया क्योंकि एक में तो है ना मेरा अच्छा ये वाला हिस्सा इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तो ये नहीं लेंगे फिर ये वाला हिस्सा देखो ये वाला इसमें है इसमें नहीं है तो भी आ जाएगा तो फिर इधर भी ले लेंगे हम लोग ठीक है अब इसका बाहर वाला देख लो इसका बाहर वाला इसका बाहर वाला देखो दोनों में है इसका मतलब बाहर वाला भी ले, ले लेना तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा इस तरह से तो तुम देखोगे कि ये दोनों जो तुम्हारा ग्राफ बना ये और ये दोनों जो ग्राफ बना दोनों सेम ही आ गया है ना ए डैश यूनियन बी डैश और वहाँ था ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो दोनों सेम आ गया है ना और डिमोरगन से लॉ में यही हम लोग प्रूफ भी पढ़े भी थे कि ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो होगा ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होगा ए डैश यूनियन बी डैश होगा ठीक है ये प्रूफ हो गया यहाँ से और उसमें बोले थे वैन डायग्राम में पिछले अभी थोड़े देर पहले बोल रहे थे कि वो वैन डायग्राम में हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे ठीक है बच्चों आगे समझ में तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्च सार्वत्रिक समुच्चय यू है यदि ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कौन साठ डिग्री से भिन्न है तो ए डैश क्या होगा तो चलो देखो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है सोल्यूशन देख लो यूनिवर्सल सेट क्या है तुम्हारा किसी तल में स्थित सभी समुचों का आ, सभी त्रिभुजों का समुच किसी यू क्या है तुम्हारा किसी तल में तल या समतल लिख लो किसी समतल में स्थित स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्च सभी त्रिभुजों का समुच सभी त्रिभुजों का समुच्च त्रिभुजों का समुच्च समुच। यह है ठीक है और ए देखो क्या है तुम्हारा ए है कि समतल में समतल में स्थित उन सभी उन सभी त्रिभुजों का समुच उन सभी त्रिभुजों का समुच्च उन सभी त्रिभुजों का समुच जिसमें जिसमें कम से कम एक कोण साठ डिग्री से भिन्न है साठ डिग्री से भिन्न है ठीक है एक कौन साठ डिग्री से भिन्न है समतल में स्थित उन सभी त्रिभुजों का समुच जिसमें कम से कम एक कौन डिग्री से भिन्न है ठीक है अब हमको क्या कर है? A निकालना है तो ये A क्या सभी त्रिभुज जितने भी त्रिभुज हैं सारा त्रिभुज हो गया समतल में स्थित अब है ए क्या है जिसका कम से कम एक कौन साठ है एक कौन क्या है साठ है, है ना? तो एक कौन साठ अब ध्यान से देखना कि एक कौन साठ है एक कौन ये साठ ले लो कम से कम एक कौन साठ है या हो सकता है कम से कम एक कौन साठ मतलब एक कौन साठ दो कौन साठ और तीन कौन साठ ठीक है ये तो बोल रहा है कि जिसका कौन कौन कम से एक कौन साठ से भिन्न है साठ से अलग होना चाहिए एक कौन तो अगर मान लो एक कौन साठ से अलग होना चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं एक कौन साठ से अलग लेते हैं इसको साठ से अलग लेते हैं ठीक है तो साठ से अलग तो एक कौन साठ से अलग ले लो मतलब मान लेते हैं चालीस ले लेते हैं एक ठो को यहाँ पे एक त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम देखो फिर इसको मिटा लेंगे ये मान लो चालीस ले लेते हैं एक कौन साठ से अलग ले लेते हैं एक कौन साठ से अलग ले लेते हैं और सोचते हैं एक कौन देखो ये साठ ले लियाँ तो चालीस और साठ एक सौ और एक ये क्या आ जाएगा अस्सी तो ये कैसा त्रिभुज बन गया एक चालीस एक साठ एक अस्सी मतलब विषम बाहु त्रिभुज हो गया तीनों अलग अलग कौन है तो विषम बाहु हो गया एक कौन साठ से अलग लिए तो यहाँ पर दो कौन साठ से अलग हो गया है ना हो सकता था कि कम से कम एक कौन साठ से अलग होना चाहिए कम से कम एक कौन साठ से भिन्न होना चाहिए तो यहाँ पे देखो दो, दो कौन साठ से भिन्न हो गया अब हम चाहते हैं एक बार तीनों कौन साठ से भिन्न ले सकते हैं तो ये ए में है ये जो ए में है क्योंकि बोला कम से कम एक कौन साठ से भिन्न होना चाहिए तो साठ से तो यहाँ दो कौन भिन्न है तो ये तुम्हारा ए एका एक त्रिभुज ये इस तरह का त्रिभुज है कि दो कौन साठ से भिन्न है अब एक बार हो सकता है क्या एक पचास हो जाए एक सत्तर हो जाए सत्तर अस्सी ले लो और एक क्या हो गया तीस ले लो तीस नहीं क्या आ जाएगा पचास और एक सौ तीस और पचास तो अब देखो इसमें तीनों कौन साठ से भिन्न है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा अच्छा अगर हम दो कौन साठ लेने का कोशिश करेंगे यहां पे एक कौन सा दो कौन साठ से भिन्न यहां तीनों कौन साठ से सा भिन्न हम चाहते हैं क्या कि सिर्फ एक कौन साठ से भिन्न लें दो कौन साठ लें तो अगर दो कौन साठ लेने का कोशिश करेंगे तो तीसरा कौन अपने साठ आ जाएगा तीसरा कौन अपने साठ आ जाएगा तो ये तो तुम्हारा नहीं है इसमें कम से कम कं क्या है एक कौन साठ से भिन्न होना चाहिए तो देखो एक तो ये त्रिभुज इस तरह का बन सकता है एक त्रिभुज इस तरह का जो है ये तुम्हारा ए में है अब इस दोनों को हटा देंगे तो इस दोनों को हटा देंगे तो जिसमें कम से कम कं एक कौन साठ से भिन्न होना चाहिए तो दो कौन साठ से भिन्न हो जाएगा या तीनों कौन साठ से भिन्न हो जाएगा और इसको जब हटा देंगे तो इकलौता खाली क्या बच जाएगा जब ये क्या है ए क्या है तुम्हारा एक कौन साठ से भिन्न कम से कम एक कौन साठ से भिन्न मतलब दो कौन साठ से भिन्न हो गया या

त्रिभुजों का समूच जिसको जिसका तीनों कोण साठ है उन सभी त्रिभुजों का त्रिभुजों का समूच जिसका तीनों कोण साठ है जिसका तीनों को तीनों को साठ डिग्री है ठीक है तो जिसका तीनों कौन साठ डिग्री वही बच जाएगा यूनिवर्सल में तो सारा था इसमें से हटा किसको दिए जिसका कम से कम एक कौन साठ से अलग है तो इस दोनों हट गया तो इकलौता लौता ये वाला बच गया है ना ये वाला इकलौता बच गया तो यह क्या हो गया हमारा उन सभी त्रिभुजों का समूह जिसका तीनों कौन साठ डिग्री है ठीक है ये बच गया हमारा तो अब थोड़ा देखो ध्यान से यहां पर तो ये फिगर हटा रहे हैं और इसी को क्या बोला जाता है इसी को क्या बोला जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे जिसका तीनों कौन साठ उसको क्या बोलते हैं सभी संभाहू त्रिभुजों का समूह है ना तो सभी समबाहु त्रिभुजों का समबाहु त्रिभुजों का समुच सभी संबाहु त्रिभुजों का समुच एडेस क्या हो गया तुम्हारा सभी संबाहू त्रिभुजों का समुच है ना इसका मतलब क्या हो जिसका तीनों कौन साठ डिग्री है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि सब सारे त्रिभुजों में से जिसका कम से कम एक कौन साठ से भिन्न था वो हटा दो तो बच गया क्या जिसका तीनों कौन साठ है दो कौन तो साठ हो नहीं सकता है अगर दो कौन साठ होगा तो तीसरा भी साठ ही हो जाएगा तो उसको जब हटा देंगे तो जो तीनों कौन साठ है वही बच जाएगा मेरा इसीलिए उसको बोले यूनिवर्सल माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा उन सभी त्रिभुजों का समूह जिसका तीनों कौन साठ डिग्री है मतलब सभी संबाहू त्रिभुजों का समूह ठीक है बच्चों आगे समझ में तो इसको एक बार लिख लो देखो क्वेश्चन नंबर सेवन निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए है।, है ना इसको जो खाली जगह इसको भरना है अपने को तो थोड़ा समझो बात यहाँ पर क्या है ए यूनियन ए डैश ए यूनियन ए डैश तो समझ लो बात ए यूनियन ए डैश क्या होता है ए और यूनियन ए डैश इसका मतलब ए और ए डैश का मतलब जो ए में नहीं होता है वो ए डैश में होता है ना यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लेते हैं तो ए यूनियन ए डैश का मतलब ए का हिस्सा और जो ए का हिस्सा छोड़कर यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है वो इसमें आ गया तो ए यूनियन ए डैश पढ़ाए थे कि डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से हटा दो तो तो ये तो अब ये ए आ गया और ए ए डैश का मतलब हो गया गया यूनिवर्सल सेट माइनस आ तो इस यूनिवर्सल सेट में से ए हटा था और इस ए के साथ यूनियन करेंगे तो वापस से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा तो ए यूनियन ए डैश क्या हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा उसी तरह उसे तीसरा देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश जो ए में है जो A hai, वो एडस में नहीं है जो एडस में है वो ए में नहीं है ना तो इसमें तो कोई भी कॉमन मिलेगा ही नहीं तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा अब आगे देखो यहां देखो फाइव डैश फाइव यूनिवर्सल में से फाइव घटा लो जैसे फाइव डैश कहने का मतलब हो गया यूनिवर्सल माइनस फाइव तो बराबर क्या हो गया यूनिवर्सल और यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए यूनिवर्सल के साथ ए का इंटरसेक्शन करो तो यूनिवर्सल के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए छोटा सेट होता है यूनिवर्सल बड़ा सेट होता है सबसेट होता है ना ए यूनिवर्सल सेट का तो इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए ही आ जाएगा उसी प्रकार यहां यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए यूनिवर्सल डैश तो देखो यूनिवर्सल डैश का मतलब हो गया यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल है ना और ये आ गया अब फाई इंटरसेक्शन ए कर लो तो फाई में एक भी एलिमेंट नहीं ए इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा तो आ गया बच्चों समझ में तो ये हमारा एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव कंप्लीट हो गया ठीक है बच्चों इसको आप लोग अच्छे से बना लेना अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे ठीक है बच्चों तब तक के लिए बाय